एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही झटपट में बनकर रेडी कर लेंगे आप और इस दीपावली में आप बना सकते हैं। बहुत ही सबको बहुत ही अच्छा लगेगा और इसका लुकिंग देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ ये कितना सुंदर बनकर रेडी हुआ है। आप देख रहे हैं ना, देखने से ही पता चल रहा है बहुत ही सुंदर दिख रहा है मिठाई। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस स्पेशल मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे मिक्सर जार ले रही हूँ और एक कप मैं नारियल का बुरादा ली हूँ, यानी डेसिक्रेट नारियल का बुरादा, और एक कप मैं दूध यहाँ ली हूँ। ये एक दूध उबला हुआ दूध है फ्रेंड्स, ये कच्चा नहीं है। तो यहाँ पे आपको ग्राइंड कर लेनी है अच्छे से। तो देखिए ये बहुत ही प्यारा सा ग्राइंड हो चुका है। तो अब हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैन ले ली हूँ और 4 से 5 चम्मच में यहाँ पे देसी घी ले ली हूँ। और अब हम डालेंगे 1/3 कप यहाँ पे बेसन। तो यहाँ पे मैं घी ली हूँ देसी घी फ्रेंड्स, आप कोई भी घी में बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको भूनना है 8 से 9 मिनट तक। ये जितना देर तक भूनेंगे ना उतना ही बहुत ही प्यारा से ये मिठाई बन के रेडी होगी। तो आपको लो फ्लेम पे भूनना है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं लो फ्लेम की हूँ, हाई नहीं करनी है, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, हाई करेंगे तो वो बहुत जल्दी बेसन जल जाएगा तो इसका टेस्ट करवा जाएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हमें कलर चेंज नहीं करनी है, बस इसको लो फ्लेम पे भूनना है। और जैसे जैसे भूनेंगे ना वैसे इसका देखिए घी रिलीज होना शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं ना। तो ये घी रिलीज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए पूरा गीला गीला सा हो गया है। तो आपको लगातार यहाँ पे चलाते रहना है, बिल्कुल नहीं छोड़नी है फ्रेंड्स, नहीं तो ये जल जाएगा, बहुत जल्दी जल जाता है। और आपको ध्यान रहे कि फ्लेम यहाँ पे लो ही करनी है। तो यहाँ पे देखिए हम अच्छे से भून रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा भुना जाता है। और जब भून लेंगे ना, जब ये भुना जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा इसका प्यारा सा, इसका खुशबू बहुत ही प्यारा सा आने लग जाता है। तो यहाँ पे भुना गया है, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं शुगर यानी चीनी। 1/4 कप मैं चीनी ली हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स। आप मीठा आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1 से 2 चम्मच बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चीनी यहाँ पे ऐसे डाल दी हूँ और थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे जो मैं ग्राइंड की थी दूध और देसी क्रीम नारियल का बुरादा वो मैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आपको एक बार में नहीं डालनी है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम लो ही कर रखना है, हाई नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, ये नारियल का बुरादा और बेसन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है दूध को। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे डाल रहे हैं, ये पूरा मैं डाल दी हूँ यहाँ पे। और अब हम चलाएंगे अच्छे से, धीरे धीरे आपको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे देखिए अच्छे से आपको मिक्स करना है फ्रेंड्स। तो ये मैं मिक्स कर लूँगी और ये बहुत जल्दी जब ये डालेंगे ना तो बहुत जल्दी ये बन के रेडी हो जाती है। आप देखिए फुल वॉच कीजिए वीडियो को तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये बाइंड होना शुरू हो चुका है, धीरे धीरे यहाँ पे शुरू हो चुका है बाइंड होना। अब यहाँ पे मैं 1 पिंच के करीब मतलब हरी इलायची को मैं कूट के डाली हूँ। आप चाहें तो पाउडर आपके पास हो तो वो भी डाल सकते हैं, इसका इलायची का टेस्ट बहुत ही प्यारा आता है। तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे येलो लेमन फूड कलर में डाली हूँ 1 पिंच के करीब, थोड़ा सा मैं डाली हूँ ताकि इसका कलर जो है ना ये येलो सा दिखे, इसलिए मैं कलर ऐड की हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं आपका मन। तो देखिए अच्छे से हम यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी से ये बाइंड हो गया है। देखिए कितना चिकना गया है इसमें, बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुआ है। तो इसको 1 से 2 मिनट तक हम और चला लेंगे लो फ्लेम पे ही। आपको ध्यान रहे आपको हाई नहीं करनी है। तो ये यहाँ पे देखिए अच्छे से ये बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक मोल्ड ले ली हूँ और नहीं तो ये यहाँ पे ले करके यहाँ पे लगा करके बटर पर लगा लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा सा ये बहुत ही आसानी से ये सेट हो जाता है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं हो तो आपके पास ट्रे होगा, प्लेट होगा, उसमें भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अच्छे से ये सेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे बादाम से यहाँ पे सजा ले रही हूँ, या आप पिस्ता भी लगा सकते हैं, काजू भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं लंबे शेप में कटिंग करके बादाम यहाँ पे लगाती हूँ, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखी हुई थी, अब आधा घंटा हो चुका है तो मैं डीमोल्ड कर लूँगी यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखिए मैं डीमोल्ड कर लूँगी, बहुत ही प्यारा सा डीमोल्ड हो जाता है फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ, कटिंग आप अपने मन पसंद से कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और खाने में मैं क्या बताऊँ, इस दीपावली में आप ये मिठाई बनाएंगे ना तो सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैं कटिंग कर ली हूँ और ये देखिए कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है। और कोई कह नहीं सकता ये घर पे बना है, ये लग रहा है एकदम मार्केट जैसा। तो मैं यहाँ पे तोड़ के दिखा दे रही हूँ, इसका टेक्सचर कितना प्यारा आया है, बहुत ही बढ़िया इसका मतलब टेक्सचर आया है। और इसका टेस्ट मैं क्या बताऊँ, बहुत ही सुंदर है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।